आज लॉकडाउन का चौथा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक गार्डन रेडरोज फंक्शन हॉल के पास हम लोगों ने 500 आदमी का आज भी सुबह में खाने का एहतमाम करे। यहाँ पे काफ़ी फुटपाथ पे जो लोग रहते वो लोग लाइन में ठहर के खाना लिए और यहाँ पे खाना देना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये लोग सारा सारा दिन भूखे रह रहे हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भूखे को खाना खिलाना। मैं तमाम मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वॉलंटरी टाइप पे काम करे और हर एक को 3-3 फीट का डिस्टेंस रखने के लिए हमको 1 घंटे से 1.5 घंटा इन लोगों को लाइन में खड़वाना पड़ा। मज़ीद मैं मेरे घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग मेरे को इसमें बराबर ताउन कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी रात जग के इसका काम करना पड़ता। और मैं मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो मेरे चाहने वाले हैं, जो सऊदी में रहते, दुबई में रहते, जिद्दा में रहते, मेरे तमाम चाहने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी हिम्मत अफजाई पे मैं ये काम और आगे लेके जा रहा हूँ और मैं हैदराबाद की आवाम से अपील करूँगा कि आप लोग लॉकडाउन है, बाहर मत निकलिए। मैं सिर्फ बहालात मजबूरी ये लोग को खाना देने का है बोल के निकल रहा हूँ, उसके बाद सारा दिन मैं घर पे रहता हूँ। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, साफ सुफ रहिए और नौजवानों से मैं बोलूँगा कि पुलिस का ताउन करिए। मैं ये आपको वीडियो भी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरों को खाना मिल सके, दूसरों में अवेयरनेस आ सके। आज ये लोग की दुआ लगेंगी तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा और अपने को भी अल्लाह मियाँ कोई बीमारी से दूर रखेगा। आप सब जने वेजिटेरियन बनाइए और जहाँ जहाँ जिसके पास चूल्हे नहीं रहते वहाँ पे आप लोग फूड लेके जाके सप्लाई करिए। मैं फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोहल्ला कमेटी, मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी से कि आप लोग जहाँ पे भी अपना मुकाम है अपनी अपने एरिया के आसपास के लोगों को पहले राशन पहुँचाइए और वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाइए। आप तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस पर अमल करिए और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है और हमको घरों में रहना ज़रूरी है। अगर जब तक हम घरों में नहीं रहेंगे, अगर आप 15 दिन ऐसे ही निकलते रहेंगे तो 1.5 महीना और आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो लिहाजा एक 15 से 20 दिन जैसा हुकूमत चाह रही वैसा बिल्कुल शटडाउन करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे और ये डिजीज़ से इंशाल्लाह लड़ेंगे। थैंक यू।